अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी। आज मैं बताऊंगा कि कैसे अपने ब्रेन को सुपर फास्ट करें, कैसे कम से कम समय में अधिक से अधिक याद करें, कैसे किसी बुक को पेज नंबर सहित याद करें, ब्रेन का नेचर क्या है, रूल क्या है, मेथड क्या है, किस तरह हम किसी चीज को मेमोराइज करते हैं, किस तरह हम भुला देते हैं, उनके रूल मेथड और कुछ एक्सरसाइज कुछ टेक्निक बताएंगे जिससे कि आप किसी भी कंटेंट को अच्छी तरह से मेमोराइज कर सकते हैं, एग्जाम में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। पहले हम यह जानेंगे कि हमारे ब्रेन का भोजन क्या है। हमारे ब्रेन का भोजन जल, ऑक्सीजन और विटामिन ई युक्त भोजन है। तो विटामिन ई युक्त भोजन लेने से हमें विटामिन ई मिल जाता है और जल पीने से जल की पूर्ति हो जाती है। तो जल कब पिए, कितना पिए, इसके लिए मैंने फार्मूला बनाया है। हर घंटे 100 ml पानी पिए, इससे आपका संकल्प पूरा होगा और एनर्जी बढ़ेगी, साथ में आपका मेमोरी बढ़ेगा। और तीसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम सांस के माध्यम से फ्री में ले सकते हैं, तो ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हम डीप ब्रीथिंग करें। डीप ब्रीथिंग करने से हमारा पेट बेसिक होगा। पेट सही तो ब्रेन सही, पेट खराब तो ब्रेन खराब। तो इस तरह हम पेट के नेचर को बेसिक कर लें तो बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो सकता है, हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है, ब्रेन अच्छा हो सकता है, फास्ट मेमोराइज कर सकते हैं। इसलिए इन तीन चीजों पर विशेष ध्यान दें और पढ़ने का तरीका जान लेते हैं कैसे पढ़ें। पढ़ने के लिए जिस तरह आप पढ़ते हैं पहले उस तरह पढ़ें, लेकिन मैं कुछ स्पेशल चीज बताता हूं। सी ऑब्जर्व यूटिलाइज, एफ आर आर, ये चार रूल है और पांचवा रूल है डोनेशन रूल और डोनेशन मेथड। आपने पढ़ लिया, सीख लिया, उसके बाद किसी को सिखा दें। यदि सीखने वाला ना मिले तो आप यूटिलाइजेशन में इमेजिन करें कि आपका कोई फ्रेंड आपके पास आता है, जो कंटेंट आप पढ़ते हैं उसके बारे में पूछता है और कहता है कि यह मुझे बहुत मुश्किल लगता है, तो आप कहते हैं कि मुझे सर ने बहुत आसान तरीका बताया है। तो वह कहता है ठीक है, आप हमें भी बता दीजिए। तो आप उसको बताते हैं जो आप पढ़े हैं, पूरा विजुलाइजेशन में अपने फ्रेंड को बता दें। ऐसा करने से आपको लंबे समय तक के लिए याद होगा, जल्दी भूलेगा नहीं, आप एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो पहला सी, सी मतलब देखना, नॉर्मल तरीके से जो हम देखते हैं वह सी होता है। ऑब्जर्व मतलब सी बी केयरफुली, अर्थात ध्यानपूर्वक देखना या गौर से देखना। और यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन मीन्स होता है ऑब्जेक्ट के या मटेरियल के एब्सेंट में उसके बारे में सोचना। यानी जो आपने पढ़ा उस पेज को बंद कर दीजिए, बंद करने के बाद आप यह सोचें कि सबसे पहले हमने क्या देखा या क्या पढ़ा, क्या ऑब्जर्व किया। पहली हेडिंग को आप यूटिलाइज करें, यदि उस पेज में फिगर है तो फिगर को यूटिलाइज करें। दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग, चौथी हेडिंग, इन सबको आप यूटिलाइज करें। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आपने क्या पढ़ा है, जैसी एड्रेस बताते हैं ठीक उसी तरह आप यूटिलाइज करें। ऐसा करने से आपको कोई भी कंटेंट बिना याद किए याद हो जाएगा, लंबे समय तक याद रहेगा, एग्जाम में भूलेंगे नहीं, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो इस रूल को सीखें। यदि आप सीखना चाहते हैं तो ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी में संपर्क कर इस टेक्निक को सीख कर किसी भी कंटेंट को पेज नंबर सहित याद कर सकते हैं। मात्र 10 दिन में जिस बुक को आप लाएंगे वह बुक आपको पेज नंबर सहित याद करवा दिया जाएगा, जिसकी फीस होगी 10,000 rupees। धन्यवाद, नमस्कार, जल्दी कीजिए एडमिशन लीजिए।